यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी कॉलेज के ग्राउंड के हेलीपैड पर उतरे। इस दौरान आईजी कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा व चौधरी लक्ष्मी नारायण से तमाम स्थानीय नेता आगवानी में उपस्थित रहे। सितंबर को पीएम के संभावित आगमन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सीएम योगी आज मथुरा पहुंचे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी सहित मथुरा को भी विकास की सौगात मिल सकती है। 12:50 पर वेटरनरी विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बढ़ती बिजली दरों पर कहा कि यह आयोग का फैसला है, पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका यह नतीजा है। लोगों को अब पर्याप्त बिजली मिल रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग इस पर राजनीति ना करें। हमने विद्युत की अच्छी व्यवस्था बनाई है। 40% अधिक लोगों के घरों तक अब अधिक बिजली पहुंच रही है। बिजली कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थी, इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है। देखिए, पूर्व सरकारों का जो भ्रष्टाचार था, आर्थिक अनियमितताएं थी, उसके कारण बिजली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं। और ये जो दरें बढ़ती हैं ये आयोग का फैसला करता है। जो कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां, वो अपने प्रस्ताव जो है आयोग को देती हैं। सरकार उसमें सुनिश्चित करती है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि गरीब, गाँव और किसान को ज़्यादा वजन उस पर ना पड़े। तो इसका जो आयोग के लिए जो आग्रह था सरकार का, वो माना है। तो हम सब, क्योंकि जो हमारा लाइफलाइन कंज्यूमर है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। किसान को 150 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से चार्ज लिया जाता था, अब वो 170 रुपये के हिसाब से लिया जा रहा है। तो ये दरें जो बढ़ी हैं ये भी मजबूरी में बढ़ाई गई हैं, क्योंकि लगातार कंपनियाँ घाटे में जा रही हैं। और हमने 40% की बढ़ोतरी की है बिजली में, लोगों के घरों में बिजली पहुँचाने में। तो पहले बिजली आती नहीं थी, अब हमारे 18 घंटे गांव को दे रहे हैं, 24 घंटे जिला मुख्यालय को दे रहे हैं और 20 घंटे तहसील को दे रहे हैं। बहुत बड़ा इंफ्रा डेवलप किया है, करीब 1 करोड़ लोगों के घरों में हमने कनेक्शन पहुंचाए हैं। अभी 2 अक्टूबर तक 1,12,00,000 लोगों के घरों में कनेक्शन पहुंचाने हैं। तो बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो मायावती जी, समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति ना करें। उनके कार्यकाल में केवल दरें बढ़ती थी, विद्युत आपूर्ति के जो आवर्स हैं वो नहीं बढ़ते थे। 2 घंटे रहने वाले हैं, पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, 11 तारीख को यहाँ भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि में पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम सब राज्यवासी बहुत अभिनंदन करें, उनको स्वागत करें। और बाइक की जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी की तैयारियों के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो सभी अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। तो सर, क्या स्वागत मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा की पुरानी मांग चल रही है, इसके साथ ही तमाम और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम है, दूसरा यहाँ जन आरोग्य जो पशु मेला है उसमें भी शिरकत करेंगे, तो जल शक्ति के भी कार्यक्रम हैं। तो जो अभियान चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो बहुत महत्वाकांक्षी जो उनके अभियान हैं, उनको और तेज गति देने के। क्या माना जाए सर, दोबारा सरकार बनने के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार उनका मथुरा आगमन है? निश्चित रूप से सब ब्रजवासी खूब स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं कि लंबे समय से लोगों की इच्छा रही थी और हमारे मैनिफेस्टो में था कि 370 को समाप्त किया जाए, 35A को समाप्त किया जाए। लोगों की इच्छा थी कि भाई स्वस्थ भारत, और तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, अगर फिट हैं तो हम फिट हैं तो इंडिया फिट है। तो कितने कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। अभी जो प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है, स्वच्छता को लेकर जो अभियान चला, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम सब देशवासियों को सौगात पे सौगात ही दे रहे हैं। तो यानी मथुरा को कुछ बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है? पूरे देश को ये बड़ी सौगात मिली है कि 370 35A समाप्त हो गया। ये देश के लिए सौगात है कि हम सब स्वच्छता ही सेवा है, इसको एक बड़े अभियान की तरह हम लोग ले रहे हैं। ये सीधा सीधा आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, उनके जीवन को सीधा सीधा ये जो योजनाएं चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। पशुओं का वही नहीं लगना, उनका उपचार भी होता उपचार लाना सर, सारे इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, डॉक्टर्स खड़े रहेंगे साथ में, चारा और दवाई सारा सब कुछ एक साथ। गोपुर जाने का रेड कार्पेट है, ये सब स्टॉल लग गए, ये पूरा पशु का क्षेत्र, यहाँ पे पूरे पशु रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पर टीकाकरण होंगे, दो हैं FMD का और ब्रुसेलोसिस का, ये बड़ी OT है, ये OT के बाद पशु यहाँ पर रेस्ट करेगा, छोटी OT है, कृत्रिम गर्भाधान है, चिकित्सा है, गर्भीयकरण है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी यूनिट है,
यहाँ पर पूरी यूनिट बनेगी। शुक्र को यहाँ कोने में किया है, यहाँ पर बाबा जी गोशाला। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।